हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, ये हमारे लिए एक सैड न्यूज़ है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन डिपार्ट्स। तो इंडिया के जो ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट थे उनको कौन नहीं जानता है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन, इनको सब लोग जानते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन इनके वजह से था। कभी जो इंडिया फूड डेफिसिट होता था और आज हम लोग फूड को एक्सपोर्ट करते हैं, पहले इम्पोर्ट करते थे, पहले जहाँ पे इंपोर्ट करते थे आज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन बीच में आ गया और उसके आर्किटेक्ट थे MS स्वामीनाथन। तो बहुत बड़ा रोल है इनको, इनका मॉडर्न इंडिया को शेप देने में, कि हम लोग अपनी एक बेसिक नीड, जो खाना हमारी नीड थी, उससे ऊपर उठ के हम लोग और भी चीज़ें सोच पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। मनकोम्बू संबासिवन स्वामीनाथन, देखिए ये इनका नाम है, मनकोम्बू संबा सिवन स्वामीनाथन, पॉपुलरली नोन एज MS स्वामीनाथन, द लेजेंडरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड द की आर्किटेक्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रीन रेवोल्यूशन, पास्ड अवे रेजिडेंस इन चेन्नई ऑन थर्सडे फॉलोइंग एज रिलेटेड इशू। ही वॉज 98। तो ये 98 ईयर्स के थे। इट वॉज अ बैक टू बैक सीवियर ड्रॉट इन द मिड 1960s। देखिए यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन रेवोल्यूशन की, बैक टू बैक सीवियर ड्रॉट। ठीक है, जब पानी ही नहीं, बारिश ही नहीं, तो इरीगेशन नहीं, तो एग्रीकल्चर नहीं। इन द मिड 1960s दैट कंपेल्ड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ एंड साइंटिफिक फ्रेटर्निटी टू लुक फॉर सोल्यूशन टू ओवरकम द शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस को ओवरकम करना था। द शिप टू माउथ, देखिए शिप से आता था ग्रेन हमारे मुंह तक, तभी वही शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, यही हमारा एग्जिस्टेंस था। द कंट्री वॉज डिपेंडेंट ऑन फूड ग्रेन इम्पोर्टेड फ्रॉम US देन। तो बस US के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट थे। डॉक्टर स्वामीनाथन वर्क क्लोजली विथ टू एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स, श्री सुब्रमण्यम एंड जगजीवन राम। ठीक है, ये दो मिनिस्टर्स थे जिनके साथ ये काम किए। फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अ प्रोग्राम दैट पेव द वे फॉर क्वांटम जंप इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस थ्रू आउट एडॉप्शन ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। तो देखिए क्वांटम जंप, ये वर्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वांटम जंप किसमें? इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो मोस्टली व्हीट एंड राइस की बात हो रही है। थ्रू एडॉप्शन ऑफ, कैसे, किस लिए, किस चीज के लिए, क्या था राइस और वो व्हीट और कैसे, तो ये हो गया हमारा केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से। फ्यूनरल टुमोरो, अ स्पोक्स पर्सन फॉर द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSFRF सेड द फ्यूनरल विल टेक प्लेस ऑन सैटरडे, हिज मोर्टल रिमेन विल बी केप्ट ऑन द MSSRF कैंपस इन तारामनी ऑन फ्राइडे फॉर पब्लिक टू पे रिस्पेक्ट। ठीक है, रिकॉलिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो आज इंडिया फूड फूड से सिक्योर है तो सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, और ग्रीन रेवोल्यूशन है तो उसमें सबसे बड़ा रोल इनका है। फूड सिक्योरिटी, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन सेड दैट फ्यूनरल विल बी हेल्ड विद पुलिस ऑनर्स। डॉक्टर स्वामीनाथन इज सर्वाइव्ड बाय 3 डॉटर्स, सौम्या स्वामीनाथन फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मधुरा स्वामीनाथन प्रोफेसर इकोनॉमिक एनालिस्ट यूनिट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, एंड नित्या राव डायरेक्टर NISD यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगलिया द UK। इनकी 3 बेटी थी आप देखिए, और उनकी 3 बेटी किस पोजीशन पर है, बस एक बार सोचिए। तो ये साफ दिखा रहे हैं कि इनका जो फैमिली है वो ऑलरेडी लर्न्ड फैमिली है। ठीक है, हिज वाइफ मीरा स्वामीनाथन हु वाज डिस्टिंग्विश्ड चेयर जेंडर एंड डेवलपमेंट MSSRF डाइड इन मार्च। तो ये पिछले साल मार्च में इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वही पुराना आर्टिकल कंटिन्यूएशन है उसका। बॉर्न इन कुंबाकोनम ऑन अगस्त 7, 1925, ये 1925 बॉर्न थे, टू MK संबासिवन सर्जियन एंड पार्वती थंगमाला स्वामीनाथन एंड हिज स्कूलिंग देयर। देखिए अगर मैं नाम बोलने में गलत कर पा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए आई एम ऑलरेडी वेरी सॉरी। हो सकता है कोई नाम मैं अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ और उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, बस इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ।
हिज कीन इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर साइंस कपल्ड विथ हिज फादर पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम मूवमेंट एंड महात्मा गांधीज इन्फ्लुएंस इंस्पायर्ड हिम टू परस्यू हायर स्टडीज इन द सब्जेक्ट अदरवाइज ही वुड हैव बिकम पुलिस ऑफिसर फॉर विच ही गॉट क्वालिफाइड इन लेट 1940s. बाय देन ही गॉट टू अंडर ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग वन फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉलेज कोयम्बतोर. तो इसमें इन्होंने डिग्री हासिल की है. तो और इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था? महात्मा गांधी का था और अपने पिताजी का था. ऑन ऑब्टेनिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइटोजेनेटिक इन 1949 फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली ही अर्नड अ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज वेयर ही मेट हिज वाइफ हु वॉज ऑल्सो परसुइंग हायर स्टडीज देर. ही डिड हिज पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च इन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन इन ये उन्होंने यहाँ पे अपना पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया है. इन 1954 डॉक्टर स्वामीनाथन ज्वाइन दी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटैक एंड लेटर IARI. तो इन्होंने ये दो इंस्टीट्यूशन फिर ज्वाइन किए. अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ अगर हम लोग एक चीज़ देख पाए, बाहर से पढ़ के आए वापस इंडिया, तो इन्होंने ब्रेन ड्रेन नहीं होने दिया. इंडिया में आके इन्होंने इंडिया को ठीक किया. ठीक है. ही बिकेम IARI डायरेक्टर एंड द पोस्ट ही हेल्ड टिल 1972. इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्टिंट इन हिज लॉन्ग करियर दैट ही शॉट टू फेम. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन क्या मिले इनको? डॉक्टर स्वामीनाथन हु वॉज रिसिपियंट ऑफ द पद्मश्री. देखिए पद्मश्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. इन 1967 वॉज चूजन फॉर रेमन मैगेसी अवार्ड. ये मुझे नहीं पता क्या है, रेमन मैगेसी अवार्ड देखना पड़ेगा या इंटरनेट पर सर्च करिए. फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन ओके दिस इज फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1971 ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण. इन जनवरी 1972 ही बिकेम डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR रिसर्च एंड इन 1979 वॉज मेड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. वैन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अगेन इन 1980 ही वॉज अपॉइंटेड मेंबर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट साइंस एंड एजुकेशन यूनियन प्लानिंग मिशन एंड फॉर अ फ्यू मंथ ही सब द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द बॉडी. बिटवीन 1982 एंड 1988 मतलब यहाँ पे 6 साल में देखिए ही हेडेड द इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस. तो ये फिलीपींस के इसे उसको उन्होंने हेड किया. इन 1987 ही बिकेम द फर्स्ट टू गेट द वर्ल्ड फूड प्राइज एंड फॉरेनर टू रिसीव द गोल्डन हार्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ फिलीपींस. फॉरेनर क्यों? क्योंकि ये इंडियन थे और इनको फिलीपींस का अवार्ड मिला. 2 ईयर लेटर ही वॉज कन्फर्ड विथ पद्म विभूषण. तो अब देखिए इनको पद्मश्री मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, फिलीपींस का इनको अवार्ड मिल गया और वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड मिल गया इनको. और क्या था ये रेमन रेमन मगसियाई अवार्ड जो कम्युनिटी लीडरशिप के लिए है इनको ये मिल गया है. ठीक है. अब देखिए इमिजिएटली आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, तो ये इंडिया फिर रिटर्न किए 1988 में, द वेटरन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एस्टेब्लिश अ नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट MSSRF जिसके बारे में हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा. विद द प्रोसीड्स ही गॉट द फूड प्राइज. फिर यहाँ पे इनको फूड प्राइज मिल गया. द फाउंडेशन विच बिगेन फंक्शनिंग इन चेन्नई सिंस 1989 एम्स टू एक्सेलरेट यूज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव लाइफ एंड लाइवलीहुड्स ऑफ कम्युनिटीज. इन नवंबर 2004 द यूनियन गवर्नमेंट में डॉक्टर स्वामीनाथन चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर पॉपुलरली नोन एज द स्वामीनाथन कमीशन. द पैनल मेन रिकमेंडेशन टू सेंटर वॉज द मिनिमम सपोर्ट प्राइज. मिनिमम सपोर्ट प्राइज यहाँ पर जो रिकमेंडेशन हुआ था वो इनका ही था. शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. डॉक्टर स्वामीनाथन वॉज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम 2007 टू 2013 द फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज. ये भी देखिए बाय द काउंसिल ऑफ फूड वॉज बेस्टॉर्ड इन अक्टूबर 2018 में इनको ये अवार्ड. कॉन्ट्रोवर्सीज ही हैड हिज शेयर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज एज हेड ऑफ ACAI टू डाउन अटैक व्हेन द सीनियर एग्रीस्ट ऑफ द IARI डिस्मिस फ्रॉम हिज नॉन सिलेक्शन एज प्रोफेसर. इन मार्च 1978 ज्योतिमोय बोसु अ टॉलेस्ट लीडर एंड अ मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ ICAR पब्लिकली अक्यूज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हैविंग अ वन मैन शो. तो वन मैन कौन थे? यही थे. चेंज प्रॉम्प्टली
reputed to junta government. More than this instances of Dr. Swamin critics told him responsible for certain ill effect of the green revolution, including ecological damage and benefit of the high yield technology eluding small and marginal farmer. To this he responded with the idea of evergreen revolution with emphasis on crop and livelihood productivity in perpetuity without ecological or social harm. देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है. सबसे पहले हमें ग्रीन रेवोल्यूशन पता होना चाहिए. देखिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन उसके आर्किटेक्ट एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, हमने देखा इनका अभी ये रहे नहीं हमारे बीच, ठीक है, और इनको जो अवार्ड्स मिले, आप देखिए इनको सारे अवार्ड्स मिले, मतलब इतने अवार्ड्स, आप देखिए पद्मश्री, पद्म विभूषण, फूड प्राइज, और यहाँ पे देखिए रेमागोन, ये कम्युनिटी लीडरशिप के लिए है, ठीक है, और आप नीचे में देखिए वर्ल्ड एग्रीकल्चरल प्राइज मिला है इनको, इनको फिलीपींस का अवार्ड मिला है, किधर गया फिलीपींस आपको, फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव द वर्ल्ड फूड प्राइज, इनको ये अवार्ड मिला है, और आप देखिए इनको इतने सारे, वन मैन शो, ठीक है, ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन इनका आइडिया था, ठीक है, आप देखिए इन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है हमारे देश के लिए. तो ये सारे अवार्ड, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इनके बारे में जानना चाहिए था हमें, इसलिए मैंने ये आर्टिकल कवर किया है. और वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज के पेपर में पूरा का पूरा एक पेज मैंने देखा है, जो पूरा का पूरा एक पेज इनके ऊपर ही डेडिकेटेड है, अलग अलग आर्टिकल्स इनके ऊपर है. तो भाई देखो, काम करना है तो कुछ ऐसा काम करो कि ऐसा कुछ हो पाए कि जब तुम रहो ना रहो तुम्हारी बातें लोग याद करें, और जो नहीं जानते हैं वो लोग भी तुमको जाने और बोले वाह क्या आदमी था. ऐसा नहीं ना कि तुम रहो और पैसे के पीछे भागते रहो, और जब तुम जाओ तो लोग बोले अरे चलो अच्छा है गया तो ठीक है. ऐसा काम नहीं करना है, काम कुछ ऐसा करना है देश के लिए कि नाम रोशन करो अपने देश का, लोगों फ्यूचर जनरेशन के लिए एक पाथवे बिल्कुल अच्छा सा बना के जाओ. ये नहीं रहते ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता. तो ठीक है, चलिए, आप लोग प्लीज़ वर्क आउट टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.